तो स्पेशली वो लोगों के लिए जिसको फोन पे इस्तेमाल करना नहीं आते, और किसी को आते भी है तो पूरा सेटिंग के बारे में पता नहीं है, और स्पेशली वो लोगों के लिए जो फोन पे इस्तेमाल करना चाहते और उसको पूरा सेटिंग के बारे में जानना चाहते। तो फ्रेंड आपको बताऊंगा फोन पे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो बताते क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ये जो फोन पे है, जो एप्लीकेशन है, ये अगर आपका फोन में रहेगा तो आपका फोन पूरा एक बैंक बन जाएगा। जैसे आपको कोई पैसा हाथ में लेने के जाने के लिए जरूरत नहीं है, आप डीटीएस टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, लाइट बिल दे सकते हैं, कोई टिकट खरीद सकते हैं, कोई मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड ए टू जेड इसके अंदर मिल जाएगा। आप खरीदारी भी कर सकते हैं इससे, मतलब अभी का टाइम पे जितना भी सुविधा है वो आपको एक ऐप का अंदर ही मिल जाएगा। तो आपको तो समझ में आ गया है जो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए फोन पे, और अभी बताते हैं आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपली फ्रेंड आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है ओपन कर लेना, और आपको बताऊंगा ए टू जेड फीचर्स के बारे में, ए टू जेड सेटिंग के बारे में, कहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक्सेस चालू करते फ्रेंड, आपको नीचे में जो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको साइड में होम का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर साइड में स्टोर का ऑप्शन, फिर एप्लीकेशन, फिर माई अकाउंट एंड हिस्ट्री। पहले तो मैं होम अकाउंट से चालू करते फ्रेंड। होम में आपको मिल जाएगा मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन, फिर डीटीएस मतलब टीवी रिचार्ज का, फिर इलेक्ट्रिक बिल का, फिर क्रेडिट कार्ड रिचार्ज, फिर पोस्टपेड, इंश्योरेंस भी इधर से कर सकते, फिर वाटर बिल भी भर सकते, गैस इधर से बुकिंग कर सकते, प्लस लैंडलाइन बिल, फिर डाटा कार्ड, फिर अभी का टाइम पे जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है फ्रेंड आप इधर से आसानी से कर सकते, सारे के सारे सुविधा इसमें दिया हुआ है। और फिर फ्रेंड इधर से आप देख सकते हैं, वो नीचे में ऑप्शन दिया दिखाई जाएगा रेड बस, मतलब अभी का टाइम पे जो रेड बस ज़्यादा चल रहा है बस टिकट बुकिंग करने का, वो भी आपको इधर मिल जाएगा। फिर मायत्रा, IRCTC, मतलब ए टू जेड जितना भी फीसेस आपको लग सकते वो आपको इधर दिख जाएगा। और इधर में आप एक एक करके इधर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल रिचार्ज का बात करूं, तो इधर सिंपली आपको मोबाइल रिचार्ज में जाना, और इधर में कोई भी नंबर पे अगर आप रिचार्ज करना चाहते तो मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के साथ आपको सामने कुछ इस तरह पे शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको पहले नंबर सेलेक्ट करना है, ये इतना आसान है फ्रेंड। आप कोई नंबर पे अगर यह करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, जो नंबर आपका मोबाइल में सेव हो वो ऑटोमेटिकली इधर से आप चूज कर सकते हैं। ये नंबर लेना चाहते हैं तो कोई भी नंबर इधर से सेम नंबर भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं चाहते आप इधर कोई नंबर दबाना है तो भी इधर से आसानी से लिख सकते कोई भी नंबर। तो ये तो हो गया कैसे, और अभी इसमें फ्रेंड आपको इधर में सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कंपनी का सिम है, तो आइडिया, वोडाफोन, जियो, जो भी है तो उसमें सिलेक्ट कर लेना। मैं जियो सिलेक्ट कर लेते, और आप कौन सा प्रदेश में रहते हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेते। और यहाँ पे फ्रेंड अमाउंट डालना, जो कितना आप डालना चाहते हैं तो डाल देना, जितना भी डालना चाहते हैं। मैं तो फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सीवी नंबर है फ्रेंड है, सीवी नंबर यहाँ पे क्लिक करके ओके डालवा दोगे तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा, इतना ही आसान है। और बैंक अकाउंट कैसे एक्ट करना है मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, क्योंकि पूरा एक वीडियो में दिखाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बना लिया। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से देख लेना। फिर ATM कार्ड, फिर आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है मैं पूरा के पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा हूँ। अब मैं शॉर्टकट में आपको जो लगने वाला है उसका ज़रा डिटेल्स में जाऊँगा, ए टू जेड बताऊँगा इसमें क्या क्या है और क्या कर सकते हैं। फ्रेंड अब तो सीख लिया कैसे मोबाइल रिचार्ज करना है, अभी आदमी जो डायरेक्ट पेमेंट करते वो कैसे करना है, आपको ऊपर में सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा स्कैनर, तो आपको स्कैनर ऊपर क्लिक कर लेना है। स्कैनर ऊपर क्लिक करने के साथ साथ फ्रेंड आपका सामने ऐसे स्कैन करने लग जाएगा, सामने किसी का भी QR कोड रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका जो नाम है, उसका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेके आपका सामने शो कर देगा। तो आप सिर्फ अमाउंट डाल के ही कर पाओगे, वो भी आपको बता देते जैसे कैसे आप इधर से मनी ट्रांसफर कर सकते। इधर में फ्रेंड इतना ही आसान है, आपको अगर कोई भी सिर्फ नाम सेव रहेगा तो भी आप पैसा भेज सकते, मतलब जिसका अभी का टाइम पे फोन पे का अकाउंट है बना के रखा है उसका सिर्फ नंबर ऊपर क्लिक करके भी आप पैसा लाखों लाखों पैसा आप सेंड कर सकते। वो कैसे, जैसे मैं इधर से किसी को भी 1 रुपये ट्रांसफर करके दिखाते हैं। जैसे आपको इधर में 2 कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, 2 अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, 2 सेल्फ का। तो 2 कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपका
जो भी जिसी का भी फोन पे में अकाउंट है तो उसको ऐसे क्लिक करने के बाद उसका नाम दिख जाएगा किसका किसका अकाउंट है। मैं इधर से पैसा भेज कर भी आपको बताऊंगा। तो जिस जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड। जैसे मैं इसको पैसा भेजना चाहता हूँ तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ गया। सिर्फ मोबाइल नंबर फ्रेंड आप देख सकते हैं जिसका उसका मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्ट होगा। और आप इधर से सिर्फ एक रुपया मैं भेज रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए। क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद सेंड में क्लिक कर लेते। और यहाँ पे जो आपका जो UPI ID जो आपका पासवर्ड सेट करना है तो वो इधर डाल देना पड़ेगा आपका पासवर्ड। फिर डाल के ओके पर क्लिक कर देना और डन कर देना है फ्रेंड। इस तरह बहुत आसानी से आप उसका नंबर पे कोई भी पैसा भेज पाओगे। दूसरा फ्रेंड आपको बताते हैं जो बैंक टू बैंक अकाउंट में कैसे आप कर सकते हैं। तो इधर में अगर आपको पहले से कोई बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो उधर में आप एक क्लिक करके पैसा भेज सकते हैं। और अगर आप नया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो इधर में ऐड कर लेना। करके उसका IFSC कोड, फिर अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर एंड उसका नाम एंड फ़ोन नंबर देके इधर में कंफर्म कर देना तो ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होने के बाद फ्रेंड आपको इधर में समझ लीजिए इसको पैसा भेजना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। सिंपली करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, समझ ले एक रुपया भेज के मैं आपको बता देते। एक रुपया भी लिख दिया। और इधर में कोई मैसेज उसको देना चाहते तो इधर में लिख भी सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं लिखना। तो आपको जो अब अकाउंट ऐड हो जाएगा, आने के बाद फ्रेंड इधर में सिर्फ सिंपली आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर आपको पासवर्ड डाल के ओके कर देना एंड लास्ट में आप देख सकते ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ऐसे चला गया। सिर्फ एक रुपया हो फिर लाख रुपया हो ऐसे आसानी से चला जाएगा। फिर डन में क्लिक कर लेना। अब बताते फ्रेंड यहाँ पे जो सेल्फ वाले टू सेल्फ का जो ऑप्शन का उसका मतलब क्या होते हैं। सेल्फ का मतलब फ्रेंड एक आदमी को दो तीन चार बैंक अकाउंट रह सकते हैं ना। मेरे को जैसे चार पांच बैंक अकाउंट है तो मैं इधर में एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ पैसा, तो इधर से आसानी से ले सकता हूँ। और चारों को चार पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जितना भी बैंक अकाउंट है यहाँ पे आ गया। और भी दो एक है तो इधर में मैं ऐड नहीं किया, तो ये चार बैंक अकाउंट मेरा नाम पे मैं ऐड करके रखा हूँ। तो मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से ले सकता हूँ। जैसे इधर में क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद मैं किसको नंबर पे लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे ऊपर में चेंज कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं किसी का नंबर का भी। फिर मनी बैठा देना, जैसे मैं तारीख का बताया ऐसे सेंड में क्लिक कर लेना तो ऑटोमेटिकली जितना पैसा है वो आप भेज सकते हैं। और फ्रेंड अब बैलेंस अगर चेक करना चाहते हैं आपका बैंक में कितना पैसा है तो बैंक बैलेंस में क्लिक कर लेना। और इधर में कोई भी बैंक ऐसे सोर्स कर लेना और पासवर्ड दबा देना। पासवर्ड देने के साथ साथ आपको बैंक में कितना पैसा है वो आप आसानी से देख पाओगे। ऐसे में दिखाना नहीं चाहते मेरा बैंक में कितना पैसा है इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ। तो अभी बताते फ्रेंड इसमें जो जितना भी ऑफर आते हैं तो ऑफर के बारे में। ऑफर देखने के लिए आपको सिंपली व्यूज ऑल ऑफर को क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको दिख जाएगा हज़ारों ऑफर इसमें डालते रहते अलग अलग कंपनियाँ। जैसे कुछ भी खरीदोगे कोई भी लाइट बिल, फिर गैस बिल, इधर से कोई भी आप कुछ भी करोगे उसके ऊपर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं 50% कैशबैक, 100% कैशबैक। यहाँ पे तो आपको हाथी कर दिया, आप देख सकते हैं 1000 रुपये कैशबैक मिलेगा आपको अगर स्कैन करके कोई भी पैसा भेजोगे। मतलब स्कैन किया है सामने वाला जो भी QR कोड स्कैन करके मैं जो बताया था ऐसे अगर किसी को भी 1000 रुपये के ऊपर आप पैसा भेजोगे तो उसको आपका 1000 रुपये कैशबैक मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड आसानी से नीचे आपको दिख रहा है। और इधर में और भी बहुत सारे ऑफर ऐसे KFC का, फिर हज़ारों कंपनी छपेला का, जितना भी कंपनी है उसका प्रोडक्ट का अगर आप इधर से खरीदोगे तो आप देख सकते 500 रुपया, 1000 रुपया तक कैशबैक है, 50% कैशबैक है। तो इधर से अगर ऑफर लेना चाहते कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते फिर कोई भी ऑर्डर करना चाहते तो इधर से आसानी से आप ऑफर लेके ही कर सकते हैं। और अभी बताते फ्रेंड आपको माई रियाउट के बारे में। माई रियाउट में फ्रेंड क्या होता है, आपको जितना भी पैसा कैशबैक मिलते तो इधर से आप देख सकते आसानी से। तो मेरे को देख सकते जितना कैशबैक मिला है वो मैं इधर से शो कर दिया। और फिर फ्रेंड यहाँ पे अगर रिफ़र करोगे कोई फ्रेंड को, आपको कोई रिश्तेदार को, कोई फ्रेंड को, तो इसमें आपको 150 रुपये दिया जाएगा। सिर्फ 150 नहीं, 150 से 1000 रुपया तक आपको दिया जाएगा ये आपसे। मतलब आप अगर किसी को भी फेसबुक फिर व्हाट्सएप के थ्रू अगर रेफ़र करोगे बस किसी को भी आप काफ़ी लिंक कॉपी करके भी कर सकते अगर करोगे तो आपको 150 से 1000 रुपये। एक फ्रेंड भी अगर आपका लिंक से ये फ़ोन पे इंस्टॉल करेगा तो आपको 150 से 1000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो भी ऐसे कंडीशन है फ्रेंड वो जब फास्ट पेमेंट करेगा 1 रुपये भी अगर करेगा तो भी आपको
ऐसा पैसा आ जाएगा। और फ्रेंड नीचे में आपको सबसे नीचे में दिख जाएगा रेडबस, मायत्रा, IRCT, इधर से आप अगर बुकिंग करना चाहते हैं, कोई टिकट विकेट लेना चाहते हैं तो इधर में आप देख पाओगे। तो होम पेज का बारे में जितना भी जानकारी देना था फ्रेंड आपको दे दिया है। और अभी इसका जो ऑप्शन है सेटिंग है उसके बारे में बताते हैं। इसको सेटिंग में जाने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर, सिंपली इधर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको अगर किसी को QR कोड दिखाना चाहते हैं, जो पैसा आसानी से लेना चाहते हैं, तो आपका भी एक QR कोड है जो आपको इधर मिल जाएगा, जैसे माई QR कोड, इसमें क्लिक कर लेना। किसी को कोई भी आपको पैसा देना चाहते हैं तो एक QR कोड ओपन करके उससे ऐसे स्कैन करके आसानी से आपका अकाउंट में ले सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड माई भीम ऐप, मेरा भी अकाउंट आप देख सकते हैं, इधर से आप सेंस भी कर सकते हैं, आपका मर्जी से आप सेंस कर सकते, फिर ऐड भी कर सकते हैं। आपका जो भीम ऐप रहेगा जिसका माध्यम से पैसा भेजा जाते हैं। और फिर माई एड्रेस भी चूज कर सकते, लैंग्वेज भी चूज कर सकते फ्रेंड, इधर से आपका कोई भी भाषा ली हो वो चूज कर सकते, फिर बिल नोटिफिकेशन भी कर सकते। फिर अलग से फ्रेंड इधर में देख जाएगा फ़ोनपे का अलग से कीबोर्ड है जो आप आसानी से इधर से सेट कर पाओगे। फिर इसका जो पासवर्ड है वो भी आप इधर से सेंस कर सकते, इसका जो पॉलिसी है वो पढ़ सकते, इधर में आप देख सकते। और अगर KYC करना है तो आप नीचे में सबसे नीचे में KYC का ऑप्शन है, इधर जाके KYC कर सकते। मैं हालांकि पहले वीडियो में बताया था कैसे KYC करना है, तो दो वीडियो देख लेना, आप आसानी से KYC कर पाओगे। क्योंकि मैं पूरा बताने जाऊँगा तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, अगर पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं होम पेज एंड सेटिंग के बारे में मैं समझता हूँ फ्रेंड आपको अच्छा खासा नॉलेज आ गया है। अभी बताते हैं आपको स्टोर के बारे में। इधर में सिंपली एक स्टोर मिलेगा, स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, तो स्टोर में क्लिक कर लेना। तो फ्रेंड स्टोर में क्लिक करने का साथ साथ आपको दिख जाएगा आपका आसपास में कितना भी स्टोर है उसका नाम भी आ जाएगा, फिर वो कितना किलोमीटर दूर है उसका स्टोर का नाम मतलब दुकान का नाम भी आ जाएगा, और उसका पूरा डिटेल्स भी आ जाएगा। आपको फूड मंगाना है, फिर हेल्थ केयर लेना है, शॉपिंग करना है, फिर कुछ भी करना है आपको स्टोर में जाके वो दुकान का जो एड्रेस मिल जाएगा। सिर्फ वही नहीं फ्रेंड आपको उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, उसको फ़ोन करके भी बात कर सकते, उसका नाम, उसका कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं वो आप इधर से आसानी से देख सकते, इधर से कॉल कर सकते, शेयर कर सकते। और ये तो आपको स्टोर का गेम है, बैक का होकर दूसरा भी बता देता है आपको फ्रेंड। तो आपको आसपास में जितना भी स्टोर रहेगा पूरा देखा देगा। और अभी बताते फ्रेंड ऐप का बारे में, ऐप में क्लिक कर लेना फ्रेंड। इसमें आपको हर कोई ऐप मिल जाएगा, और वो ऐप मिलेगा जो ज़्यादा चल रहा है अभी बाज़ार में, सबसे ज़्यादा यूजफुल कोई भी ऐप आपको इधर दिख जाएगा, जैसे ओला कैब्स, फिर IRCTC एंड डोमिनिस, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला है फ्रेंड। इधर में RTC में आप ट्रेन भी बुक कर सकते, फिर इधर में booking.com, फिर ola.com, इधर में कैशबैक का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा फ्रेंड। इधर में कोई भी ऐप में अगर यह करना चाहते, इन्वॉल्व होना चाहते तो इधर से आप आसानी से कर सकते। ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी देने जाऊँगा तो ये रात में ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आप समझते हैं ऐप कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे ऐप आपको ज़रूरत है इधर से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी बताते हैं फ्रेंड माई अकाउंट के बारे में। माई अकाउंट में क्लिक कर लेना फ्रेंड। माई अकाउंट में क्लिक करने का साथ साथ आप इधर में देख सकते हैं जो पेमेंट मेथड है, फिर वेट मेथड है, इधर से आप गोल्ड भी खरीद कर रख सकते हैं। ऐसा हो सकते है एक दिन में मतलब आज गोल्ड का सोना का जो भाव है कम हो गया है तो आज ही आप खरीद सकते, कल जब सोना का भाव बढ़ जाएगा तो आप तुरंत बेच भी सकते। अभी का टाइम पे फ्रेंड फ़ोनपे में गोल्ड का बिजनेस करके, जैसे सोना आपको हाथ में लेने का ज़रूरत नहीं, इसके पास ही सोना रहेगा, जब भाव कम हो जाए तब खरीद के रख देना, जब ज़्यादा हो जाए तब बेच देना। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते फ्रेंड। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, कितनी थोड़ा शॉर्ट में तो नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और पेमेंट मेथड आप इधर से सेट कर सकते, आपका बैंक अकाउंट, फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते, फिर आपका जो फ़ोनपे का वॉलेट है इधर से फ्रेंड आप ऐड कर सकते, जैसे फ़ोनपे का वॉलेट, फिर फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड भी है, फिर जियो मनी, फिर फ्री रिचार्ज भी इधर में ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कोई भी ऐप इस्तेमाल करते, मेरे को अक्सर बताते रहता हूँ कैसे आपको फ्री रिचार्ज करना है। और फिर आपको पेमेंट मैनेजमेंट में ऑटो प्ले भी कर सकते, ऑटो पे भी कर सकते, फिर रिमाइंडर भी कर सकते, आपका मर्जी से। और फ्रेंड आखिरी में बताते आपको हिस्ट्री में आपको बता देते आप जितना भी पेमेंट इधर से किया है पूरा के पूरा लिस्ट दिखाई देगा। मैं तो बहुत सारे पेमेंट कर चुका हूँ इसमें फ्रेंड, आप इधर से देख सकते, एक रुपया, पाँच रुपया, पाँच 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 चार, कितना सारे पेमेंट इधर से मैं कर चुका हूँ। तो इस तरह आप भी कोई भी पेमेंट करोगे तो आपको हिस्ट्री में A to Z मिल जाएगा। तो ये मैं
हालांकि मैं शॉर्टकट में आपको पूरा जानकारी दिया, इसमें मैं अलग अलग जैसे कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है, कैसे आपको फोन पे का अकाउंट खोलना है, फिर कैसे आपको कार्ड ऐड करना है, कैसे पेमेंट करना है, उसके ऊपर मैंने अलग अलग से फ्रेंड वीडियो बना के, तो वो जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर जाके आपको कोई भी जरूरत है डिटेल्स लेने का तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं अलग अलग करके, मैं तो पूरा के पूरा डिटेल्स में दे चुका हूँ। तो फ्रेंड मैं उम्मीद रख सकता हूँ जो आप में जो डिटेल्स दिया वो आपको समझ में आ गया, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है किसी का कोई भी ऑप्शन के बारे में तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना, मैं पूरा तरह आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, नमस्कार।